प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम कम खाकर ज़्यादा जी सकते हैं और किस तरीके से अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार हम पड़ते हैं अपने ओवर ईटिंग हैबिट की वजह से। हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर रात को दूध पी लेते हैं। इस बीच में भी हम 4 से 5 बार चाय पी लेते हैं। मार्केट चले जाएं तो समोसा, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब भी खा लेते हैं। कोई दोस्त आ जाए, मेहमान आ जाए तो मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। हमारे शरीर को इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतने खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक रूम है जहाँ पे रोज़ सफाई होती है, लेकिन आप सफाई होने से पहले ही दूसरा कबाड़ लाके उसमें डाले जा रहे हैं, तो वहां क्या कभी सफाई हो पाएगी? क्या वो कमरा कभी साफ सुथरा स्वच्छ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो भी एक रूम की तरह है। आप इसमें जितनी बार खाना डालेंगे, बार बार डालते रहेंगे, इसी वजह से होती हैं बीमारियां, क्योंकि वो जो खाना होता है वो सही समय पर ना तो डाइजेस्ट हो पाता है, ना ही सही समय पर आपको मोशन आ पाता है। और सही खान पान ना होने की वजह से आपको हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, लीवर इश्यूज़ हो जाते हैं, किडनी इश्यूज़ हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, आई साइट वीक होने लगती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस, जिसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आप सभी रोगों से दूर हो जाएंगे। इसमें कोई खर्चा नहीं है, आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। तो किस तरीके से ये काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स खाइए। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में मैक्सिमम 3 आवर्स लगते हैं, यानी कि 3 घंटे में जो आप फ्रूट सैलेड खा रहे हैं मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपके पास दोबारा से मौका मिल जाता है आपको प्रॉपर लंच करने का। लेकिन जब आप लंच में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सैलेड ये सब खा लेते हैं, तो इसको डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं। शॉकिंग है ना, 18 आवर्स। लेकिन आप 4 घंटे बाद ही डिनर कर लेते हैं, इस बीच में 2-3 चाय पी लेते हैं, स्नैक्स खा लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं, या कुछ और टिक्की, चाउमीन, बर्गर इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, जिससे आपके शरीर में वो जो खाना है वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। इनडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे इश्यूज हुए, और आपकी पूरी बॉडी में ये जो एक नली है जहाँ से आपने खाना डाला, ये नीचे गया पेट में, फिर इंटेस्टाइन में गया, तो ये हर जगह पर चिपकता रहता है। ये उन रास्तों को ब्लॉक करता है जहां पर ब्लड फ्लो भी होना है, और नेक्स्ट जो आप फूड खा रहे हैं उस रास्ते को भी ब्लॉक कर रहा है। और मॉर्निंग में जब आपका मोशन ठीक से नहीं होता है तो आप बीमार तो रहते हैं, आपका दिन भी खराब हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है, और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल उपाय। आपको डिनर करना है बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट, जिसमें अनाज ना हो। आप रोटी मत खाइए, चावल मत खाइए, आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं नाइट में। और एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए कि 8 बजे के बाद आप डिनर ना करें। इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको रखना है लगभग 16 घंटे फास्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, 16 घंटे फास्ट में से लगभग 8 घंटे तो आप सोते ही रहेंगे। अगर आप 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। इस बीच में आप सूप पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, सिंपल जो साधारण पानी है वो पी सकते हैं, लेकिन कुछ भी चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं खाना है। ये एक प्रॉपर फास्टिंग की तरह है, आपको फास्ट रखना है 16 घंटे रोज। लेकिन दिन में 12 बजे से रात को 8 बजे तक के बीच में आप कुछ भी खा सकते हैं। और कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसी चीजें खाएं जो डाइजेस्ट ही ना हो और जिसकी हमारे शरीर को जरूरत ही ना हो। आप ब्रेकफास्ट में यानी 12 बजे के टाइम पे फ्रूट्स खा सकते हैं, 3 बजे के टाइम पे आप अपना लंच कर सकते हैं जिसमें अनाज हो, और 8 बजे के टाइम पे आप किसी भी तरह का सैलेड या सूप पी सकते हैं। बस इतने ही खाने की हमारे शरीर को जरूरत होती है। और अगर हमें मीठे की ज़रूरत होती है तो वो मीठा हमें सब्जियों से, फ्रूट से मिल जाता है। हमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मिठाइयाँ या चीनी या गुड़ खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ अगर थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं लंच के बाद तो वो आपको फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता है। लेकिन चीनी या चीनी से बनी मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो आपको 16 घंटे फास्ट रखना है, और 12 से 8 बजे के बीच में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आप क्या ले सकते हैं।
अनाज को डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं, तो हमें दिन में सिर्फ एक बार अनाज वाला फूड लेना है, यानी कि जो सब्जी रोटी वाला खाना हमें खाना है वो सिर्फ दिन में एक बार खाना है। मैं ऋषि मुनियों की बात करूं, साधु संतों की बात करूं, तो ये बहुत ही कम भोजन में अपना पूरा जीवन जी लेते हैं और ये हमसे ज्यादा जीते हैं। आप किसी भी साधु संत की आयु को देख लीजिए और एक नॉर्मल इंसान की आयु देखिए, तो साधु संत की उम्र हमेशा आप ज्यादा पाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके शरीर को जितनी जरूरत है वो उतना खाना उनको खिला देते हैं। अगर आप 16 घंटे फास्ट रखते हैं तो उसमें होता क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, लेकिन आप जब फास्ट करते हैं तो फास्टिंग के समय में पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो बॉडी को हीलिंग करने में लग जाती है। मतलब शरीर में जहाँ जहाँ खाना चिपका हुआ रह जाता है, वो किसी भी तरह का ऑयल हो सकता है, फूड हो सकता है, किसी भी तरह के खून के थक्के हो सकते हैं, जो जिनका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो उस तरह की हीलिंग प्रोसेस में बॉडी को लगभग 16 घंटे लगते हैं। तो आप बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे हैं हीलिंग करने का, आप बस कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, तो पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने में जा रही है, बॉडी को रिपेयर करने में नहीं जा रही है। तो प्लीज बॉडी को रिपेयर भी होने दीजिए, कुछ भी ऐसा खाइए जो हेल्दी हो, अनहेल्दी चीजें मत खाइए, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, इस तरह के फूड से बिल्कुल दूर रहिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझिए, उसका ध्यान रखिए, उसकी पूजा करिए, खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आप अपनी बाइक स्कूटर या कार की रिपेयरिंग टाइम टू टाइम नहीं कराएंगे तो वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। आपका शरीर तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मूल्यवान है, प्लीज इसका ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।